मारो राजस्थान, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। और चले रुक करते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि बीती रात अमेरिका पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता की है। इस दौरान खुद जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गले लगा करके उनका वेलकम किया, उसकी तस्वीर सामने आई है। रात करीब 1:30 बजे पीएम क्वाड समिट में शामिल हुए, जहां पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश देते हुए कहा, भारत किसी के खिलाफ नहीं बल्कि शांति समाधान का पक्षधर है। क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्वाड में मोदी के मुरीद जो है बाइडेन हो गए। तस्वीरें देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो गले लगा करके बाइडेन ने उनका वेलकम किया। द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। क्वाड समिट से दुनिया को मोदी का संदेश। और तो आपको बता दें कि क्वाड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। और अलग अलग तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो भव्य स्वागत उनका किया गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, क्वाड समिट में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं और बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता करते हुए भी उनकी तस्वीर सामने आई है। और दुनिया को मोदी ने संदेश भी दिया, उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। 2025 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। और पीएम मोदी के संबोधन के बाद आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा कि अगले साल पीएम मोदी स्क्वाड समिट की मेजबानी करेंगे। तमाम तरीके की बड़ी बातें उनके तरफ से कही गई। इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये कहा गया। Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well. Unlike some international forums, the Quad is not, it doesn't have a long history. That means it's not defined by tradition, but it also means it's not confined by it. It means that as it develops. और क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनके होम स्टेट डेलावेयर स्थित आवास पर मुलाकात की है। और इस दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी को गले लगा करके उनका स्वागत किया। बाइडेन के आवास पर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तो देखिए आपको 3 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। करीब 1 घंटे से ज्यादा तक यह मुलाकात चली। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राजदूत विनय मोहन और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जो है वो भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्राओं के लिए सराहना की। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सदस्यता के समर्थन की बात भी कही। तो 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे जो है गले लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। उसके बाद से द्विपक्षीय वार्ता की दूसरी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई है और तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई है।
और वहीं अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप ये दो तस्वीर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करते हुए दिखे। इस दौरान दोनों देशों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा विमर्श किया गया। तो आप दो तस्वीरें देखिए, मुलाकात की जो तस्वीर है सामने आई है। तो ये तस्वीर सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की है, उसकी तस्वीर देखिए। जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ नरेंद्र मोदी ने जो है बैठक की। अमेरिका में नमस्ते मोदी, जैसे ही नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो जोरदार स्वागत किया गया। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री आतिशी ने कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। सबसे ज्यादा 13 मंत्रालय आतिशी ने अपने पास रखे हैं, जिनमें वित्त और राजस्व जैसे अहम विभाग भी शामिल हैं। इसके बाद सौरभ भारद्वाज के पास 8 मंत्रालय हैं। गोपाल राय को 3 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। कैलाश गहलोत के पास 5 विभाग है। इमरान हुसैन को 2 और मुकेश अहलावत को 5 विभाग सौंपे गए हैं। तो मुख्यमंत्री आतिशी ने देखिए अपने पास 13 विभाग रखे हैं। सौरभ भारद्वाज की बात कर ले तो उनको 8 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली की नई सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने पास 13 विभाग रखे हैं। सौरभ भारद्वाज को जो है 8 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। गोपाल राय को 3, कैलाश गहलोत को 5 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही इमरान हुसैन को 2 और मुकेश अहलावत को 5 विभाग जो है दिया गया है। तो शपथ लेने की ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोपाल राय को 3, कैलाश गहलोत की बात कर ले तो 5 विभाग की जिम्मेदारी मिली है। शुक्रवार को इजरायली सेना ने लेबनान के कई इलाकों में भीषण तबाही मचाई थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 37 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान पर हुए इस हमले का बदला लेने की अब हिजबुल्ला तैयारी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि हिजबुल्ला 24 घंटे के अंदर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। तो 24 घंटे में हिजबुल्ला बदले की जो है तैयारी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। इजरायली हमले में 37 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है और वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है उसकी तस्वीर आप देखिए। 24 घंटे में हिजबुल्ला बदले की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट मिली है। बेरूत पर इजरायली सेना ने रॉकेट से तबाही मचाई थी और अब अलग अलग तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं तबाही की, ये तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए और ये तीसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर रॉकेट से तबाही मचाई गई। लेबनान में हिजबुल्ला पर इजराइल के लगातार हमलों के बाद तनाव चरम पर है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह सामने आया है कि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच चल रहा संघर्ष युद्ध में बदल सकता है। इजराइल के हमले यही संकेत कर रहे हैं कि हमास के बाद नेतन्याहू के टारगेट पर हिजबुल्ला हैं, खासकर उसके कमांडर, जिन्हें पहले पेजर बम से उड़ाने की कोशिश हुई, फिर वॉकी टॉकी से और अब डायरेक्ट हमला कर जो है इजराइल हिजबुल्ला को साफ कर देना चाहता है। देखिए रिपोर्ट। गाजा से अलग नहीं है लेबनान की तस्वीर। तबाही का मंजर एक सा है और तबाह करने वाला भी एक ही है, इजराइल।
हमास के चीथड़े उड़ाने वाला इसराइल अब लेबनान के हिजबुल्ला पर मौत बनकर बरस रहा है। हिजबुल्ला के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है इसराइल। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की। हमला राजधानी बेरूत के दाहिये इलाके में किया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 66 लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में हिजबुल्ला की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल के सदस्य इब्राहिम अकील भी शामिल है। इब्राहिम अकील की मौत से हसन नसरल्ला क्यों रोया खून के आंसू, इसके डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी ताज़ा हमले की डिटेल देखिए। लेबनान के मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसराइल ने हमला F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया। हमले में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां हिजबुल्ला के लड़ाके मौजूद थे। इससे पहले दक्षिणी लेबनान पर इसराइल ने 70 हवाई हमले किए थे। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इसराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला है। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF का दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया। इनमें 1000 रॉकेट बैरल। IDF ने दावा किया है कि हिजबुल्ला इन हथियारों से इसराइल पर हमले की तैयारी में था। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला की कई इमारतों और एक हथियार डिपो को भी तबाह करने का दावा किया है। इसराइल के हमले के बाद हिजबुल्ला ने उन पर पलटवार किया था। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर 150 रॉकेट दागे थे। इनमें से ज्यादातर रॉकेट को आयरन डोम के जरिए रोक दिया गया था। इजरायली शहरों में सायरन बजते ही सेना ने सभी नागरिकों से बम शेल्टरों के करीब रहने की चेतावनी दी है। بحصيلة اليوم الثاني نحن سجلنا حالتين جديدتين كذلك من الشهداء ليصير العدد 27 وبذلك يصبح العدد يعني ما بين الضربات أو يعني اللي صاروا 3 و4 وضربة البارحة كلهم بيطلعوا 70 شهيد. حملے کے بعد ITF نے نورث اسرائیل میں رہ رہے ناگرکوں کے لیے گائیڈ لائنز بھی جاری کی ہے। इसमें उनमें बम शेल्टरों के करीब रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इजरायली नागरिकों को बिना जरूरत सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा न होने की सलाह दी गई है। उन्हें हर कस्बे इलाके और समुदायों की सही तरह से सुरक्षा करने के लिए कहा गया है। हिजबुल्ला के खिलाफ लगातार हमले कर इसराइल ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि हमास के बाद अब नंबर हिजबुल्ला का आ गया है। बिहार के जमुई जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जमुई के सिकंदरा पुलिस ने एक फर्जी IPS को गिरफ्तार किया जिसने पूछताछ में हैरान करने वाला खुलासा किया है। क्या है ये पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। ना UPSC का चक्कर, ना ट्रेनिंग की टेंशन, सीधे मिल गई IPS की वर्दी। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला बिहार के जमुई जिले से आया है। सिकंदरा थाने की पुलिस ने एक फर्जी IPS को पकड़ा है जो वर्दी पहनकर बाइक से घूम रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक नकली पिस्टल भी बरामद किया है। युवक लखीसराय जिले के हलसी का रहने वाला है। पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। घूरने के लिए, ठीक है। उसके बाद दो गो माने था, मर्दाना था, तो वो दोनों हम नहा रहे थे, तो वो दोनों माने बोला है, मनोज सिंह नाम उसका है, तो बोले नौकरी लेगा, तो हम बोले नहीं। तो फिर आए मेरे पास, तो बोला नौकरी लेगा, तो हम बोले नहीं लेंगे भैया जी, हमको भी नहीं चाहिए, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो बोला नहीं, हम कम मनी पैसा में मनी हम करवा देंगे, कुछ नहीं अगर वगैरह करेंगे। हम बोले ठीक है, तो हम विश्वास कर लिए, मैंने पूरा हमको बजा लिया था, तो हम विश्वास कर लिए। मिथिलेश के अनुसार खैरा के रहने वाले मनोज सिंह नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 2 लाख रुपए लिए और उसे IPS की वर्दी दे दी। मनोज सिंह ने वर्दी के साथ नकली पिस्टल भी दी थी। तो फिर जो मनोज सिंह था तो मिला था खैरा, तो वहाँ पर बोला 2 लाख रुपया पैसा दो, हम तुमको ये नौकरी में हम डाल देंगे, पुलिस में बोला था। तो वही मैंने हम 2 लाख रुपया दिए उसको। उसके बाद क्या हुआ, वो हमको वर्दी और सब कुछ हमको थमा दिया, पिस्टल भी दिया। हाँ, पिस्टल मुझे नकली, अभी देखें तो नकली है, अभी नकली लगा। ये वर्दी उर्दी सब वही दिया? हाँ सर, वही दिया। वो पहन के गया है, वर्दी पहन के, वर्दी पहन के, तो बोला कि हाँ हमको ऐसे हो गया, वैसे हो गया,
क्या हो गया? हमको नौकरी लग गया। हाँ। जो बोला जो हमको क्या पता है, तो हम लोग तो समझे भाई सही कह रहा है, हमरा कोई पता नहीं। फिर वो रात भर घर में रहा, खाना खाया या नहीं आया तब ने। पुलिस का वर्दी पहन के पहने हुए देखे बेटा को तो खुशी हुआ होगा कि अब बेटा अब देखो कैसे अब तो है अथी, तो कोई भी अब खुशी न हो। फिलहाल पूरा मामला ठगी का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि मनोज सिंह कौन है और उसने फर्जी आईपीएस की नौकरी कितने लोगों को बांटी है। ग्राम गोवर्धन बिघा, थाना हलसी, जिला लखीसराय को आईपीएस की पुलिस वर्दी पहनकर थाना क्षेत्र में पाया गया था। पुलिस द्वारा शक के आधार पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। आसपास के ग्रामीणों एवं प्रत्यक्षदर्शियों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वह व्यक्ति खैरा थाना क्षेत्र से अपने घर हलसी थाना क्षेत्र जा रहा था। पुलिस द्वारा पूछताछ कर सारे मामले की विस्तृत तफ्तीश की जा रही है। सवाल है कि 18 साल का युवक ऐसे जाल में कैसे फंस गया। जब लड़का कॉलेज में जाता है तब उसे यूपीएससी और बीपीएससी की जानकारी तो जरूर हो जाती है, क्योंकि हर कोई देश के सबसे बड़े एग्जाम को पास करना चाहता है। बिहार के लड़कों का तो ये एग्जाम देना एक सपना होता है और कॉलेज से ही वे इसकी तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन आजकल हर एक चीज शॉर्टकट से पाने की लत ने इस लड़के को हवालात पहुंचा दिया। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। अजमेर के पिसांगन उपखंड के दांतड़ा में सांप और नेवले की जंग का वीडियो सामने आया है। चंद सेकंड में ही नेवले ने सांप को चित कर दिया और बाजरे के खेत में पकड़ करके ले गया। इस दौरान उधर से गुजर रहे किसान ने सांप नेवले में चल रही लड़ाई का वीडियो बना लिया। किसान महेंद्र नुवाद ने ये बताया कि कच्चे रास्ते पर सांप फन फैला करके बैठा था। तो उसी दौरान खेत से नेवला बाहर निकला है और चंद सेकंड में जो है चित कर दिया। उसकी तस्वीर आप देखिए, अजमेर से ये तस्वीर आई है जहां पर सांप और नेवले की ये जो लड़ाई है वो देखने को मिली है। चंद सेकंड में सांप जो है चित, लड़ाई का ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल है।